पुलिस में भी कॉल करती है। मैम मैं महाराष्ट्र से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। पंडित जी ने गालियाँ गलौज करके मंदिर से हकाल दे रहे हो। पंडित मना कर रहा हूँ। और यहाँ लिखा देखो क्या है, लिखा हो बताओ। श्री राम हर हर महादेव सभी को। मैं निकल चुका हूँ ये यहाँ से आश्रम से, अब आगे के लिए जा रहा हूँ देवप्रयाग के लिए। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बोल हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। जय श्री राम हर हर महादेव सभी को। मैं लोकेश कुमार यात्रा कर रहा हूँ दिल्ली उत्तम नगर से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा, जो कि लगभग 500 किलोमीटर होती है। तो भाई आज मैं पहुंचा था शिवपुरी से आगे आश्रम पड़ता है गुरु वशिष्ठ जी का, जो कि श्री राम जी के गुरु थे, उनके आश्रम से आगे आ चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ देवप्रयाग के लिए, ब्यास जी पहुंचने वाला हूँ। आज मेरे को चलते चलते 16 दिन हो चुके हैं। धूप बहुत ज्यादा है पर फिर भी श्री राम जी का, भोले बाबा का नाम लेके आगे के लिए बढ़ते जा रहे हैं। बोल हर हर महादेव। तो हर हर महादेव सभी शिव भक्तों को। मैं चलते चलते पहुंच चुका हूँ शिवपुरी से आगे। प्रकृति में दोस्त बन चुकी है, प्रकृति के लुफ्त उठाते हुए जा रहा हूँ मैं। भूख लगती है तो थोड़ी तकलीफ आती है, बाकी प्यास लगती है तो ऐसे झरने मिल जाते हैं, धूप लगती है तो पेड़ों की छाव में आ जाते हैं। अभी भी प्रकृति के बीच में बैठे हुए हैं बिल्कुल। हर हर महादेव, एक बार जोर से बोलो हर हर महादेव। तो हर हर महादेव सभी शिव भक्तों को। केदारनाथ यहाँ से 200 किलोमीटर के करीब बचा है। आज शिव जी सबकी परीक्षा ले रहे हैं। धूप बहुत ज्यादा हो रखी है, बाकी हमारे साथी और भी चल रहे हैं। धूप बहुत ज्यादा हो रखी है, चलते चलते बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं। प्रकृति की छाव में हम बैठे हुए अभी थोड़ी देर आराम करके आगे के लिए बढ़ते हैं। मुझे पता है आप सभी शिव भक्तों, तो हम जैसे शिव भक्तों के लिए भी आप कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। बोल हर हर महादेव। हर हर महादेव सभी शिव भक्तों को। अभी मैं रुका था खाना खाने के लिए, वो लोग बहुत बढ़िया थे। उन्होंने 80 रुपए की थाली दी। पैसे देना भी जरूरी है क्योंकि उनका काम है वो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से हमें पेट भर के खाना खिलाया, एक्स्ट्रा भी लिया हमने। अब आगे के लिए चल रहे हैं। रास्ता कुछ इस तरीके से है। धूप बहुत ज्यादा हो रही है, पहाड़ लैंडस्लाइड। यहाँ पे परसों तूफान आया था, उस वजह से लैंडस्लाइड हो रखी है। तो बोला हर हर महादेव। भाई चलते चलते तो मैंने बोर्ड देखा है, बोर्ड देख के बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। श्रीनगर और गौरीकुंड केदारनाथ का हमारी मंजिल जो है पास आई जा रही है। भोले बाबा जल्दी बुला रहे हैं हमें। बोल हर हर महादेव। परसों यहाँ तूफान की तरह आया था और देखो क्या क्या लैंडस्लाइड कितनी तगड़ी हुई है। रोड ही ब्लॉक हो रखा था, वो तो हटाया है यहाँ से जेसीबी से। जय श्री राम हर हर महादेव सभी को। मैं यात्रा कर रहा था दिल्ली उत्तम नगर से केदारनाथ की पैदल यात्रा। आज मेरे को 16 दिन हो चुके हैं अपने घर से निकले हुए, और ऐसा अगर आपको नजारा देखने को मिले तो 16 क्या 17 दिन भी चला जा सकता है। बोल हर हर महादेव। एक बार यहाँ का नजारा देख लो और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, और प्रकृति को बचाओ। हर हर महादेव। भाई यहाँ का एक बार व्यू देखो। ये इसके जस्ट बगल में खाई है, यहाँ से देखो। यहाँ पे झरना है, ऐसे पहाड़ों के बीच में से पानी आ रहा है, और सब लोगों ने अपने अपने मतलब नल के फिट कर रखे हैं। यहाँ पे डब्बे लगा लगे घर के लिए जा रहे सबके, इधर से भी इधर से भी। ये नई चीज दिखी मेरे को। हर हर महादेव सभी से भक्तों को। चलते चलते मुझे शाम हो चुकी है, पर अभी यहाँ पे कहीं पे भी हमारे रुकने के लिए व्यवस्था नहीं हुई है। अगर अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ पे जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना पोल पे लाइट वगैरह लगी है, तो रात में चल भी नहीं सकते। अभी भी पूछा था तो बताया कि आगे चल के एक मंदिर है शिव मंदिर, वहाँ पे हम रुक सकते हैं। तो बोल हर हर महादेव। हम आए हैं पतालेश्वर मंदिर में, और यहाँ पे मतलब बगल में जस्ट गंगा घाट है। श्री राम हर हर महादेव सभी। कल मैं पहुंचा था कोडियाला में और यहाँ पे मंदिर पे रुका था। अब आगे के लिए निकल रहा हूँ, बैग वगैरह मेरा ये रहा है, रात में भी यहीं पे रुका था। अब आगे के लिए चलता हूँ देवप्रयाग, यहाँ से 35 किलोमीटर के करीब है। बोल हर हर महादेव। आगे के लिए चलते हैं। कल हम यहाँ पे रुके थे, पीछे मंदिर है जो, पीछे मंदिर में रुके थे। भाई एक बार पहाड़ देखो यहाँ पे, ऊपर जाओगे ना लैंडस्लाइड सीन आपको देखने को मिलेगा। लैंडस्लाइड होती रहेगी और थोड़ा सा भी बारिश हो जाए ना रोड ब्लॉक हो जाता है। आगे देखो मलबा पड़ा हुआ है, परसों बारिश आई थी। ऐसे ही यहाँ से जो मिट्टी के पहाड़ और जो कच्चे, बाकी व्यू कुछ ऐसा है वो बरसात में और ऐसे टाइम में लैंडस्लाइड बहुत होते हैं। कुछ टाइम पे तो हवा भी चलती है ना, क्योंकि उनके ऊपर की सतह जो है ना वो हट जाती है, तो ये जो अंदर के पत्थर है ना छोटे छोटे
ये ऑटोमेटिक गिरने लगते हैं। सो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो रखा भाई, ट्रक का ट्रक पलटा हुआ है पूरा। सही है भाई, इस तरफ पलटा वरना इस तरफ तो बिल्कुल खाई है पूरी। भाई देखो खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा, पूरा बड़ा सा ट्रक ही गिर रखा है नीचे, पूरा रगड़ते हुए आया भाई। साथ में ये भी बोर्ड को भी खींच रहा है, ये देखो साथ में ये जो बोर्ड लगे रहते हैं, ये पाइप उसकी, वो भी पूरा बोर्ड भी उखड़ रखा है। वो तो सही है भाई, इस तरफ नहीं गिरा अभी तो, फिर भी चांसेस हैं कि बचे जाएंगे, बचे होंगे। उस तरफ तो बिल्कुल खाई है भाई, खड़ी खड़ी काम कर रहे हैं। ये देखो पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पे ये लोग, भाई देखो पहाड़ों में ड्रिलिंग कर रहे हैं। महादेव क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो, धूप भी इतनी ज्यादा हो रखी है और आसपास में कोई दुकान भी नहीं है। पानी खत्म हो गया हमारा, अभी पीछे एक भैया थे उनसे एक बोतल पानी मांगा और एक एक घूंट पानी पिया। बहुत ज्यादा धूप हो रही है ना, आसपास कई दुकान है। तो भाई पीछे थोड़ी देर के लिए बैठा था, कुछ खाने के लिए तो मिला नहीं, मैगी थी वो भी 50 रुपए की, तो बिस्किट वगैरह ले लिए थे, बिस्किट और पानी भी। भाई वहाँ पे पानी भी खरीद के पीना पड़ा, वहाँ की जगह तो मिल भी जाता है, यहाँ पे तो आसपास में पानी भी नहीं है। और ये पानी की बोतल कितने की, 20 रुपए MRP होती है, 25 की दी है, और ठंडी बोतल 30 रुपए की। क्या करे भाई, उनको भी लेके आना पड़ता है, आसपास में कुछ है भी नहीं वैसे। भाई अब चलते चलते एक दुकान दिखी है, वो भी लग रहा है नमकीन वगैरह की दुकान है, बिस्किट वगैरह की। भाई खाना खाना है, भूख लग रही है बहुत तेज, बहुत ज्यादा तेज। यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे, दुकान मिली है पूरे आसपास में, कहीं पे भी कुछ भी नहीं था। यहाँ पे दुकान मिली है, वहीं पे खाने खाने के लिए बैठे हैं। ये ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर क्या दिया, दाल चावल ही है और कुछ है भी नहीं। मैगी मिल रही है, मैगी में पेट थोड़ी भरता है। इतनी देर से चल रहे थे, अभी बज चुके हैं 4:30 के करीब हो गए, और अब जाके देखो हमें पानी मिला है यहाँ पे। इतनी भाई ढूंढने के बाद में पाइप में से आ रहा है ऊपर, मतलब झरना है पहाड़ों के बीच में से, उसमें पाइप लगा रखी है, वहाँ से पानी आ रहा है। बाकी पीछे भाई खरीद के पीना पड़ रहा था। अब रोड भी यही है गंगा जी के बगल में से, बिल्कुल नीचे से नहीं, हाइट है करीबन होगी 1,500 फीट की हाइट होगी, 1,500 फीट की हाइट से जा रहे हैं, इसीलिए भाई थोड़ा मतलब प्यास वगैरह का, पानी वगैरह का दिक्कत आ रही है। आसपास में कहीं रिसोर्स होता है पानी का, वो भी नहीं था, यहाँ पे मिला है। तो भाई यहाँ पे बस्ती भी है, बाकी और कहीं तो जगह भी नहीं मिल रही, यहाँ पे पानी मिला पी लेते हैं। बड़े गुरु जी बता रहे हैं ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, मीठा मीठा बिल्कुल, जैसे चीनी घोल रखी है उसमें। पहाड़ों में चलते चलते एक गाँव दिखा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। ये देखो छोटे छोटे घर, बरसात के मौसम में तो चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती होगी। यहाँ पे रुके थे बर्तन लेने के लिए, क्योंकि भाई जो खाना वगैरह है वो तो बड़ा महंगा मिल रहा है यहाँ पे, तो अब आगे से हम खुद ही बना के खाएंगे। यहाँ पे सही है कि भाई जगह में वो मिल गई बर्तन की दुकान, बर्तन की दुकान तो बहुत पहले से ढूंढने लग गए थे हम हर ऋषिकेश से ही, फिर अब जाके मिली है। बगल में परचून की भी दुकान है, सब्जी की भी दुकान है, तो सारी चीज़ मतलब यहीं पर बंदोबस्त हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, कहीं पे जगह मिलेगी तो वहाँ पे खाना बनाएंगे खुद ही। ये हिरन है, इसकी वजह से अभी मेरे पत्थर गिर जाता सर पे, मैं उसी तरह से चल रहा था नीचे। वो तो सही है, उनने वो अंकल ने आवाज़ लगा दी बाबूजी बोल के, उन्ना तो हो जाता काम। पूरी फैमिली है क्या हिरन की, एक हिरन येरी एक येरी। भाई चलते चलते तो अंधेरा हो गया, अभी भी जो जगह नहीं मिली थी, पर एक अंकल ने बताया कि आगे चल के एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर पे तुम रुक सकते हो। भाई ये तो मना कर रहा पंडित, पंडित मना कर रहा। महात्मा रुक सकते वो भी नहीं, बस जबरदस्ती हम जबरदस्ती कर रहे थे। नहीं अंकल जी जबरदस्ती कुछ नहीं है, बस यही लगता है कि सनातनी आपने सनातनी को तकलीफ देता है ना। हाँ ना, वही ना अंकल, ये सनातनी ऐसे नहीं कहा,
मैं आपकी बात मानता हूँ कि सारे सबों के लिए, लेकिन एक यात्री होने के नाते कभी ये भी होता है, आप देख रहे हो किसको बोलना क्या है, आपको पता है मैं आपके सामने जाओ यहाँ पर जाओ चले जाएंगे। ठीक है धन्यवाद जी आपका बना। नहीं 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 मोर मोबाइल निकल वही सी बात नहीं है, वीडियो बनाएंगे डाल लेंगे। अरे तू मोबाइल बता, मैं बना ही रहा था। चालू है क्या? सारी वीडियो बनी है उसकी। चालू है क्या? हाँ इधर आ इधर आ इधर आ खड़ी उसमें बना रही है। जय श्री महाकाल मित्रों, मैं यहाँ पे शिव शक्ति स्थल ओम नमः शिवाय पे आया था और ये देखो ये शिव जी का मंदिर। बताओ हम अभी रात के 8 बज रहे हैं, हमें बोला गया था कि यहाँ पे रुकने की और भोजन की व्यवस्था है, यहाँ सब सनातन। अभी ये मंदिर सनातनी का है, हम यहाँ पे आए हैं और मंदिर से बाहर हमें हकाल दिया है। या कोई भी आते बोले अरे गहरे हम इसको इसको गाय को ठहरा है, बोले गालियाँ गलौज करके बदतबे से बात करके उन्होंने हमें हकाल दिया है। बोला मुँह मतलब महात्माओं के लिए रहना है, बोले यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा देखो क्या है लिखा हुआ, बताओ बताओ साधु संत एवं महात्मा। अरे मोबाइल से बताओ यार। हाँ ये देखो अब ये लिखा हुआ है, फिर भी उसने हकाल दिया है। अब ये सनातनी होने का ये फर्ज देखो कैसे निभा रहे हैं। हाँ ऐसे होने से अच्छा पैदल यात्री कैसे मोटिवेट होंगे इन लोगों से, हाँ जो कि वो मंदिर के पुजारी है ऐसे काम कर रहे। तो प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट करो और वीडियो शेयर करो, क्योंकि जो है ना मंदिर हमारा ओम नमः शिवाय उधर लिखा है शिव शक्ति स्थल पर जो है ना। एक मिनट में आपको बताता है, ये इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिव शक्ति स्थल पे जो है ना हम जा रुके हैं ना, ये देखो ये शिव शक्ति स्थल। हाँ हाँ वो कैसा है? बहुत मस्ती में आया है वो, अभी बताने को तो मैं भी बता सकता है मगर मैं यात्रा पे हूँ, नहीं तो मैं भी महाराष्ट्र का हूँ। मंदिर को भी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं क्या ये लोग? खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती किसी की। मंदिर बनाया गया सबके लिए, मंदिर बनाया इसलिए जाता है, लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के ठेकेदार बैठे हैं इसके अंदर लूटने के लिए। भाई मैं भी ब्राह्मण कम्युनिटी से हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन इन जैसे ब्राह्मण नहीं देखे। पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं अपने खुद की बनाई हुई बाप दादाओं की जमीन जैसे होती है ना, कि खुद की समझते हैं कि हाँ भाई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते। मंदिर बनाया किस लिए जाता है? पुलिस में भी कॉल करती है। हेलो हेलो मैम, मैं महाराष्ट्र से पैदल यात्रा कर रहा हूँ केदारनाथ के लिए। तो ये मैं यहाँ पे जो है ना शिव मंदिर जो है ना तीन धारा के आगे जो शिव मंदिर है ना, मैं वहाँ पे रुका था। बोले मुझे लोगों ने बोला था कि वहाँ जाके आप स्टे कर लो, अपने सनातनी का मंदिर है वहाँ, साधु साधु लोग बोले वहाँ आप चले जाओ। तो मैं मेरे साथ में जो है ना कोई यूपी से आया है और एक दिल्ली से आया है और ऐसे दो तीन जने हैं हम, मगर वो पंडित जी ने गालियाँ गलौज करके मंदिर से हकाल दे रहे हो। यहाँ पे ऐसा लिखा है नहीं, बोले आलो नहीं बोले। हाँ मेरा नाम मनोज एकनाथ सिंह है। वो मंदिर में नहीं जोने दे रहे, वो बोल रहे दिल्ली और भी नहीं क्या ऐसा वैसा बोले गाली गुली करके हकाल दो बोले। अभी यहाँ से मुझे हमें ना ऑप्शन ही नहीं मैम, हम पैदल यात्री है। शिव मंदिर है वहाँ पे, शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। देवप्रयाग थाना देवप्रयाग। सोने के लिए वो बोले थे यहाँ रुकने के लिए जगह नहीं, चलो निकलो बोले। जबकि लिखा हुआ है वहाँ कि यहाँ रुक सकते हैं, ये कर सकते हैं, निःशुल्क भोजन भी सब कुछ लिखा हुआ है। मगर तो भाई इस मंदिर से तो जा रहे हैं, अब मंदिर से तो आगे जा रहे हैं। पुलिस में कॉल किया था पर उसको मना कर देंगे। भाई खुद सोचना चाहिए लोगों को, हम पैदल यात्री हैं भाई, कहाँ पे रुकेंगे? दो तीन जगह ही होती हैं, अब होटल लेके रुकेंगे क्या? हम पैदल धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कि हम घूमने फिरने के लिए निकले हैं कि होटल वगैरह रुके। हमारे जो मेन जिनको साथ देना चाहिए वो तो मंदिर के पुजारी हो गए और आश्रम वगैरह हो गए, इन सबको साथ देना चाहिए, कौन सोचेगा? लेकिन फिर भी भाई कोई बात नहीं, ये लोग पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं इसे, कोई बात नहीं भाई, सबका घमंड टूटता है एक दिन। हर हर महादेव। इधर हमने मैगी बनाई है इधर मेन रोड के जस्ट बगल में,
मैगी भी बन गई, मैगी कम चावल ज्यादा बने। तो भाई वहाँ पे भी मैगी बनाई हमने खा ली, अब आगे ले जा रहे हैं क्योंकि वो जो जगह है वो जगह सही नहीं थी, ऐसे वहाँ के लोकल बता रहे थे। तो अब आगे देवप्रयाग, देवप्रयाग के लिए जा रहे हैं, 6 किलोमीटर के करीब, अंधेरा पूरा। तो भाई देवप्रयाग में तो हम पहुँच चुके हैं, एरिया है पूरा देवप्रयाग अंडर आता है, देवप्रयाग में आ गए। अभी जो विश्राम ग्रह है गूगल पे देखा, उसी विश्राम ग्रह में जा रहे हैं, बद्री केदार विश्राम ग्रह, उसी विश्राम ग्रह को देखने जा रहे हैं। देखते हैं भाई वहाँ पे अभी होता है नहीं होता। यहाँ से केदारनाथ है जो वो 143 किलोमीटर है भाई। रात में चलते चलते तो हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे दो नदी का मिलन होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। देवप्रयाग में बिल्कुल नीचे यहाँ से जब दोनों नदी बह रही हैं, अभी आपको उसका भी नजारा दिखाता हूँ। थक चुका हूँ भाई बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अभी टाइम 11:30 बज रहे होंगे, एक सेकंड देख ही लेता हूँ भाई। टाइम 11:30 नहीं, टाइम 12:30 हो रहे हैं, और बाकी भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन है, मिलन यहाँ पे हो रहा है। हिचकी आ रही है पता नहीं क्यों। संगम नगरी देवप्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं तो बहुत लोगों ने दिखाया होगा मगर मैं रात में दिखा देना चाहता हूँ। ये देवप्रयाग पहुँच चुका हूँ मैं, यहाँ पे ही संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का। इस तरफ से भागीरथी और उस तरफ से अलकनंदा दोनों, अलकनंदा बिल्कुल शांत और भागीरथी, भागीरथी का भाव आप देख ही सकते हैं।